नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कमर दर्द का अचूक इलाज, यानी कि कमर दर्द में इसमें कोई दवा नहीं खाना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको बताऊँगी मैं घरेलू इलाज है और इसी संबंधित यानी स्वास्थ्य से संबंधित ही हम पहले भी कई वीडियो दे चुके हैं, जैसे कि खांसी के लिए केला का पत्ते का भस्म दे चुके हैं और एक एपिसोड में हल्दी को भूंज के, यानी कि जैसे कि मैं दिखाई हूँ तो हल्दी को तोड़ी नहीं हूँ, आप हल्दी को तोड़ के भी अपने तरीके से तवा या कढ़ाई में भून के भी उसको शहद में मिला के उसको खा सकते हैं। बाल का और तमाम औषधीय गुण दी हूँ मैं वीडियो, उसी के सिलसिले में ये भी वीडियो है जो कि मैं बहुत दिनों से बोली थी, तमाम हमारे यूजर बहुत दिनों से मांग रहे हैं कमर दर्द का वीडियो दें, तो उसी के संदर्भ में वीडियो दे रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखें और इसको करें, आपके कमर का दर्द हर तरीके का दर्द ठीक हो जाएगा। अब आपको बताऊंगी क्या क्या उसमें निषिद्ध न करना, वो भी बताऊंगी। तो जैसे आपके कमर में दर्द है, पहले मैं आपको बता दूंगी इसका परहेज क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई महिला हैं और उनको बच्चा हुआ है तो 40 दिनों तक, मैं आपको बता रही हूँ 40 दिनों तक अगर आपके कमर में दर्द है तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगी। और कोई भी युवती हो, महिला हो, कुछ भी हो, पीरियड के समय कमर में जो दर्द होता है तब भी आप नहीं करेंगी। और बाकी सभी प्रकार के, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी उम्र का हो, इस एक्सरसाइज को कर सकता है, दो जन को छोड़ के, कि पीरियड के समय दर्द हो, बच्चा होने के बाद 40 दिनों तक दर्द हो कमर में तो नहीं करना, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज। तो आप सीधे लेट जाइए, इस तरीके से लेटे हुए हैं जिसके कमर में दर्द है, ज़मीन पर किसी भी ढीले ढाले पलंग पर नहीं लेटना है, ज़मीन पर या तखत में, तखत पर लेटे हुए हैं। फिर कमर का जो ये वाला भाग है, ये इसको आपको उठा लेना है, पाँव को धीरे धीरे मोड़ के जितना उठा सकें, ऐसे दोनों हाथ को ज़मीन में टिकाए रहेंगे इस तरह से, जितनी देर तक आप कर सकें, यानी जितनी देर तक आप इस कमर को उठाए रहें उतनी देर तक उठा सकें। उसके बाद पाँव को धीरे धीरे लंबा करेंगे, धीरे धीरे लंबा करते करते कमर को नीचे रखेंगे, पाँव को हाँ लंबा करेंगे पूरी तरह से, फिर पाँव को धीरे धीरे मोड़ते हुए से आप आराम कर लें। जब आप कमर को ऊपर करते हैं तो काफ़ी आप थकावट महसूस करेंगे, जो कमर का जो दर्द है इन मांसपेशियों से होता है, तो ये जब ऐसे ऊपर करते हैं तो ये खुलती हैं, उससे जो जकड़न होता है वो खुलता है नसी नसी। तो इसी प्रकार से 10 से 12 बार, फिर मैं बोलूँगी कमर उठाने के लिए धीरे धीरे पाँव को मोड़ेंगे, फिर कमर को जितना उठा सकेंगे उतना उठाएंगे। और कमर को आप जितनी देर तक उठाए रहेंगे उतना उठा सकेंगे, जितनी देर तक उठाए रहे उतना अच्छा है। जब आपको थकावट लगे तो पाँव को धीरे धीरे लंबा करेंगे, पहले पाँव को धीरे धीरे लंबा करके फिर कमर को नीचे रख देंगे। इस एक्सरसाइज को आप जितना कर सकें, यानी 10 से 12 बार आप जब करेंगे तो आपको पूरी तरह से थकावट महसूस होगी और जो यहाँ का जो मांसपेशियाँ हैं ये खुलेंगी और कमर का दर्द ठीक होगा। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ 10 से 12 बार इसको करें, महिला हो, बच्चा हो, कोई भी हो। उसके बाद जैसे कि ये तकिया है, जब आप ये लेटे हो तो आप देखोगे कि जो कमर की हड्डी होती है ये ज़मीन से टच बिल्कुल नहीं होती है, तो आपको आराम नहीं मिलता। तो आपको मैं बताऊंगी कि ये तकिया है, कमर को उठा के इस तकिया को ऐसे लगा देंगे और फिर आराम से लेट जाएंगे कमर के बीचों बीच यहाँ पर, और इस तरीके से आप कम 5 मिनट लेटे रहेंगे जिनके कमर में दर्द है। तो जो ये हड्डी है जो कभी आराम नहीं पाती, जैसे आप सीधे भी लेटोगे तो ये हड्डी टच नहीं होती पलंग से या किसी चीज़ से, जिनके कमर में दर्द होता है उनको कड़े बिस्तर में लेटना चाहिए, गद्दा पे या ढीली पलंग पर नहीं, ऐसे तखत वगैरह में ज़मीन में, तो उनका भी कमर का दर्द कम होता है। तो आप ऐसे लेटें 5 मिनट तक, उसके बाद 5 मिनट के बाद हम इस तकिया को हटा लेंगे और पेट के बल, जिनके कमर में दर्द है वो पेट के बल लेट जाएंगे। कमर का जो ये वाला भाग है, ये यहाँ से यहाँ दर्द होता है और बढ़ने पर ये जो मांसपेशियाँ हैं ये
ये जकड़ने लगती हैं ये दोनों तरफ की, और कमर का दर्द यहाँ से यहाँ ज़्यादा होता है यहाँ से। तो ऐसे सीधे लेटेंगे यानी कि पेट के बल। उसके बाद मैं एक गरम तेल बताती हूँ जो कि सरसों का शुद्ध तेल होता है, उसमें हींग, सरसों के शुद्ध तेल में हींग डाल के गरम कर लें, एक बाटल में रख लें। रखने के बाद कोई भी व्यक्ति हो घर का तो आराम से इन मांसपेशियों में यहाँ और इस यहाँ पर अच्छे से मालिश करेंगे ऐसे, और ऐसे करके ऐसे कि दोनों अंगूठों से रीढ़ की हड्डियों में ऐसे इस तरीके से, तो काफ़ी आराम। कमर का दर्द जो यहाँ मांसपेशियाँ हैं उनसे संबंधित रहता है, ये जकड़ी हुई रहती हैं, तो यहाँ पर तेल लगा के यहाँ पर ऐसे अच्छी तरह से मालिश करें, और इन जगहों में ऐसे इस तरीके से एक एक कड़ी जुड़ा रहता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हम गाय है उसको सकरी बांधते हैं, उसी में कड़ी कड़ी जुड़ा रहता है। तो हम जब ऐसे 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 करते हैं तो जो भी नसी होती है वो ढीली होती है, दर्द ठीक होता है इस तरीके से। और फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से और ऐसे इसको मालिश करें। इतना जितना हम आपको एक्सरसाइज बताए हैं, जो कमर दर्द का मरीज है एक बार में ही उसको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कोई चमत्कार हुआ हो उसके साथ, यानी कि कमर दर्द कम से कम 90% तक ठीक हो जाता है, आराम मिलता है। इस एक्सरसाइज को आप जब भी, जैसे कि आप कुर्सी में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देर तक बैठे हैं तो कमर में दर्द हुआ, तो आप 5 मिनट के लिए समय निकालिए, मुश्किल से 5 मिनट के लिए, और इसी एक्सरसाइज को करिए। मान लीजिए आपको तेल लगाने के लिए कोई नहीं है, तेल उपलब्ध नहीं है, तो आप किसी से बोल दें कि हम आप 5 मिनट में आ रहे हैं, और कहीं भी लेट के आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मान लीजिए आपको तकिया नहीं मिली तो गमछा है आपके पास, कुछ भी ऐसे नरम चीज़ है, तो कमर के उस नीचे वाले भाग में हम तकिया लगा के दिखाए हैं, वहाँ तकिया लगाइए या कुछ ऊँचा चीज़, 5 मिनट या 2-3 मिनट आप सीधे लेट जाइए, और आपको दिखेगा कि कमर दर्द जो आप जैसे मेडिसिन लेते हैं जो दर्द के लिए, कभी कभी हो सकता है वो आपको काम ना आए, लेकिन एक से एक्सरसाइज को, जैसे हमारी तमाम बेटियां हैं, बहनें हैं और तमाम पुरुष भी हैं, उनके भी कमर दर्द यानी कि कमजोरी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से और कई वजह से, कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने की वजह से और तमाम बीमारियों की वजह से भी कमर दर्द होता है। तो मैं सभी के लिए, कोई परहेज नहीं, सभी के लिए बता रही हूँ, सभी इस उपाय को कर सकते हैं, आपको तुरंत लाभ होगा और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जब भी दर्द हो तो आप इसको करें, और करने के बाद जैसे कि बताती हूँ कि खट्टी चीज़ें जैसे नींबू हुआ, आंवला हुआ, कच्चा, ये सब आम, ये सब थोड़ी देर के लिए, जब ज़्यादा दर्द हो तो नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बताई हूँ इसी तरीके से 10 से 12 बार जितना आप ऊँचे उठ सकें उतना ऊँचे उठें, जितने देर तक कमर को ऊँचाई पर रख सकें उतने देर तक रखें, फिर धीरे धीरे, पट से नहीं कि जितना दर्द आपको हो रहा और बढ़ जाए, धीरे धीरे नीचे रखें और धीरे धीरे ही ऊपर करें। तो आपको मैं कमर दर्द का अचूक उपाय बताई हूँ, इससे सभी प्रकार के कमर दर्द ठीक हो जाते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आपको देंगे, आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।